दोस्तों हम निकल चुके हैं दिल्ली से अयोध्या जी की तरफ ट्रेन से, और हम सब काफ़ी खुश थे। सबसे ज़्यादा हमारी बिटिया खुश लग रही थी क्योंकि उसका ये पहला एक्सपीरियंस था ट्रेन की जर्नी का। उसने कभी ट्रेन देखी ही नहीं थी, मेट्रो वेट्रो में घूमी थी बट ट्रेन में नहीं देखी थी, और इतना लंबा सफ़र कभी किया नहीं था रात भर ट्रेन में। तो मुझे मालूम था कि वो काफ़ी खुश होगी जब ट्रेन स्टेशन से निकलेगी। तो उसके मासूम सवालों ने हमें काफ़ी आनंदित किया, काफ़ी खुश थे हम सब। देखिए कभी कुछ पूछ रही थी कभी कुछ, तो उसके सवाल हमें काफ़ी आनंदित कर रहे थे। और ट्रेन का लंबा सफ़र, गांव जाने का सफ़र, ये सुखद एहसास होता है। जो गांव जाते होंगे वो समझ सकते होंगे, उन्हें मालूम हो। तो चलती रही पूरी रात ट्रेन। नेक्स्ट डे हम पहुंच गए अपने गांव के स्टेशन अयोध्या जी, और वहां जैसे ही हम उतरे स्टेशन को देखकर हम हैरान थे क्योंकि काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका था स्टेशन पर। जो स्टेशन का रूप रंग था वो सब कुछ चेंज हो चुका था। पहले जब हम आते थे तो एक छोटा सा स्टेशन होता था, और अब जो है काफ़ी विशाल स्टेशन बनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा था किसी हवाई अड्डे को तैयार किया जा रहा है, शीशे ही शीशे, काफ़ी बड़ी इमारत। तो ये सब देखकर हमें एक खुशी भी थी, और कहीं ना कहीं मैं अपने पुराने वाले गांव को मिस भी कर रहा था क्योंकि जो शहरीकरण गांव में अब पांव पसारता जा रहा है, और जो गांव था पहले बिल्कुल देसी सादगी भरा, उसको कहीं ना कहीं मैं मिस कर रहा था। तो चलो समय के अनुसार सब बदलाव होता ही है, तो उसका कुछ कर नहीं सकते, जो भी है अच्छा है। गांव तो गांव ही है, अपना गांव। और हम फिर निकले। अभी जो है ये आप देख रहे हैं स्टेशन, पुरानी वाली बिल्डिंग अयोध्या जी। जो अयोध्या जी के होंगे वो जानते होंगे, सब कुछ देख रहे होंगे, और जो अयोध्या जी से बाहर रहते हैं उनके तो कहने ही क्या खुशी हो रही होगी। ये देखिए स्टेशन से हम निकल चुके हैं ई रिक्शा में अयोध्या जी के, सरयू जी के घाट के लिए। तो उस दिन जो है योगी जी आए हुए थे तो पूरा बंद था, तो कोई भी ले जाने को तैयार नहीं था, पर ई रिक्शा वाले ने हमारी मदद करी। जब हमने उसको बताया कि भाई दिल्ली से आए हैं और अयोध्या जी के दर्शन करना चाहते हैं, मंदिर में जाना चाहते हैं, तो उसने कहा कि मंदिर तो नहीं जा पाओगे पर घाट तक मैं किसी न किसी तरह पहुँचा दूँगा। तो ये देखिए गांव में जो है कितने हेल्पिंग लोग होते हैं, उन्होंने हमें पहुंचाया किसी न किसी तरह से घाट तक, और हमने इनका शुक्रिया किया। ये देखिए गलियां, मंदिर ही मंदिर। तो दोस्तों फाइनली हम घाट पर पहुंच गए, और जैसे ही घाट पर पहुंचे तो जो वो हवा थी एक घाट पर ठंडी ठंडी, और जो नदी का नज़ारा, वाह क्या कहने। हमसे ज़्यादा हमारी बिटिया खुश थी, उत्साहित थी, ये सब उसने पहली बार देख रही थी अपनी ज़िंदगी में। तो बड़ा खुशी का माहौल था। जैसे ही मैं घाट में उतरा तो बिटिया ने भी जिद करी, उसे भी जाना है। मुझे लग रहा था वो डरेगी बट ऐसा नहीं हुआ, उसे तो बड़ा मज़ा आया नदी में, सरयू जी में। वो काफ़ी खुश, देख सकते हैं आप कितनी खुश नज़र आ रही है, और वो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी, जिसकी खुशी का अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है। और तीन बार उसको नदी से निकाला, नहलाया, और फिर उस तीन बार वो वापस गई, कपड़े पहनाए, फिर वापस नदी में, तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी वो तो वहाँ से। तो ऐसा ही होता है, बच्चे काफ़ी अलग चीज़ देखते हैं जो, तो फिर उनकी खुशी अलग ही होती है। बालक तो बालक ही होते हैं, बाकी बहुत खुश थे हम भी, बड़ा मज़ा आ रहा था। तो फिर हम वहाँ से निकले और पहुँच गए अपने गांव ताऊ जी के घर पर, और जैसे ही घर पर पहुँचे तो बिटिया को मिल गई, उसके खिलौने जीते जागते। ये बच्चिया उसे काफ़ी क्यूट लग रही थी, वो हमेशा इसी के पास रहती थी, इसी से खेलती थी। और थोड़ी देर बाद फिर मुझे अपना खिलौना मिल गया, तो मैंने भी ट्रैक्टर से खेत
चौथा पहला एक्सपीरियंस मेरा, पहली बार मैंने ट्रैक्टर चलाया। हालांकि गाड़ी वगैरह तो चला लेता हूँ मैं, काफ़ी चलाता हूँ, मेरे पास थी भी, बट जो है ट्रैक्टर मैंने पहली बार चलाया। तो आपको, जिनको आता हो उन्हें पता चल रहा होगा कि मैं ठीक से नहीं खेत जोत रहा हूँ, बट पहली बार है, कभी चलाया ही नहीं, तो ऐसे ही होता है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया दोस्तों, काफ़ी खुशी मिली मुझे गांव पहुँच कर। ये देखो, ये हमारा आम का पेड़ है और इसमें आम लगे हुए दिखाता हूँ। धूप भी है ऊपर, इसलिए ठीक से दिखे या ना दिखे, बट मैं कोशिश करता हूँ। एक तो ये रहा, कहाँ गया ये, लगा हुआ उधर भी लगे हुए हैं। ये गुच्छा लगा हुआ है इधर, इधर भी लगे हुए हैं। ये भुट्टे का खेत है, ये बाजरा, वो लगे हुए दो आम उधर भी दिख रहे हैं। ये लगे हुए, एक गुच्छा, ये रहा गुच्छा आमों का। यहाँ पे ऐसे नलके लगे हुए हैं, ये सरकारी नलके होते हैं, इस तरह से कुछ लगे रहते हैं गांव में। और ये जो है सप्लाई पानी आ रहा है, देख सकते हैं सप्लाई का पानी आ रहा है। बाकी ये है, एक और उधर लगा हुआ है, दिखाता हूँ। नंबर जलेबी दिखाते हैं, एक ये लगा हुआ है। तो ये जो होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं गांव के लिए, गांव वालों के लिए। 150 फुट नीचे होता है, हाँ 150 फुट नीचे जो इसकी बोरिंग होती है वो होती है। ये मेरे भैया हैं जो, जिनकी यहाँ पर चलती बहुत है, कुंडा तक चलती है इनकी। तो ये इन्होंने अपने घर में ही लगवा लिया है। एक ये जो होती है रोड स्ट्रीट लाइट, ये भी सड़कों पर लगती है। मैं दिखाता हूँ स्ट्रीट लाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट जो होती है सड़कों पे लगती है। ये हमारे खेत हैं, ये जहाँ तक ये खेत हैं, इनमें खीरे उगे हुए हैं, ये केले का पेड़ है, और ये खेत हैं, इनमें कभी चेंज कर करके उगाया जाता है। ये शायद भिंडी लगी हुई है, मे बी भिंडी है, वो भुट्टे हैं। और ये सब हमारे डांगर हैं, गाय भैंसे, इधर देखिए ये सब यहाँ पर सब गाय भैंसे बंधी हुई है। ये ट्रॉली है, यहाँ ट्रॉली की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, देखिए ये हाइट 7 फुट की ट्रॉली है और दो टायर
जो सॉरी चार टायर होते हैं यहाँ पर। ओके ओके, गुस्सा हो गई वो। तो ये ट्रैक्टर जिससे मैंने वो खेत जोतते हुए आपने देखा, ये ट्रैक्टर है। बाकी ये जिसकी शादी में आए थे उनका दहेज का सामान रेफ्रिजरेटर कूलर वगैरह जो गांव में थोड़ा बहुत, तो शायद ये ग्रिल है। तो ये घर है, घर यहाँ पर ऐसे ही होते हैं, ज़्यादा ऊंचे नहीं बनाए जाते हैं, बट कुछ लोग शहरों के तर्ज पर भी बनवाते हैं। ऐसे काफ़ी घर हैं जो जैसे हमारे यहाँ पे सेक्टरों में होते हैं तो उस तरह के घर बनवाए हुए हैं लोगों ने, बट जो नेचुरल तरह से जीना चाहते हैं, पुराने जो बने हुए हैं उसी तरह से आदत ढल चुके हैं, तो वो वैसे उन घरों में नहीं रह पाते हैं, उन्हें इसी तरह अच्छा लगता है। ये देखिए इससे झोपड़ी, इसके नीचे छाएं के लिए जानवरों को बांधा जाता है, तो ये इनके लिए होती है। बाकी यहाँ ये जानवरों का खाना तूड़ा ये स्टोर किया हुआ है। और ये मशीन, इससे मैं वीडियो नहीं बनाया, मैंने ये मैंने चलाई थी इसको गंडा सा हाँ वो दिखाया, हाँ वो दिखाया। तो इससे इनका चारा कटता है, ये दो लगे हुए हैं यहाँ पर, और बाकी अपडेट मैं देता हूँ। आम वाम जंगल जलेबी आई नहीं देव फजाल। ये है जंगल जलेबी का पेड़, और बचपन में मैं गांव आता था तो इसी में बिजी रहता था पूरा दिन, धूप हो चाहे छाव हो। अभी आपको नज़र नहीं आ रही होंगी, इस पर लगती हैं जंगल जलेबी। मैं जूम करता हूँ, ये अब शहरों में ख़त्म हो चुकी हैं, अब ये यहीं बची हुई हैं। ये देखिए गोल गोल जो जलेबी जैसी है, इनको कहा जाता है जंगल जलेबी। और ये अभी हमने भैया ने तोड़ी हैं, और ये देखिए कुछ इस तरह से बहुत बड़ा बांस है, इससे हमने इनको तोड़ा है। और जितने ही बच्चे होते हैं वो सब इसी में बिजी रहते हैं, स्कूल से आते ही जंगल जलेबी में लगे रहते हैं। तो लाल रंग की मोटी मोटी ऊपर लगती हैं। अभी देखिए एक और मेरे को नज़र आई हैं, उसमें काफ़ी लाल लाल हैं बिल्कुल टॉप पर, तो उसे भी एक बार तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये देखिए काफ़ी मोटी मोटी है, ये वाली तोड़ना भैया, ये भैया एक मिनट दिखाता हूँ। ये हमारे भैया हैं प्रधान जी, गांव के नेता जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। और ये इधर, हाँ ये तो देखिए किस तरह से तोड़ते हैं जंगल जलेबी, ये देखिए। वैसे ये काम बच्चे करते हैं, मैं गांव के प्रधान से करवा रहा हूँ वाला गिर गया। तो ये देखिए ये तोड़ा हमने, और आपको दिखाता हूँ बिल्कुल रेड कलर की, खाने में बहुत टेस्टी होती हैं ये, इनका एक अलग ही टेस्ट होता है। और ये देखिए इस तरह की रेड कलर की, इसके अंदर से ये निकलते हैं, तो बच्चों काफ़ी अच्छे लगते हैं, और थोड़ा अलग टेस्ट था। हाँ हाँ बस, तो ज़्यादा नहीं तोड़ते हैं, कुछ बच्चों के लिए भी छोड़ देते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमने कितनी सारी तोड़ ली है आप लोगों के लिए, ये देखिए ये इतनी सारी जंगल जलेबी आप लोगों के लिए मैं भैया ने तोड़ के दे दी है, तो आप तक पहुँच जाएंगी, और फिर टेस्ट करके बताना आपको कैसा लगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं खाई जा सकती, इनको खाने से प्यास बहुत लगती है, पर बच्चे बहुत खाते हैं कच्ची पक्की सारी। तो कच्ची तक पक्की जो रेड कलर की होती हैं वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होता है, ऊपर होती हैं बहुत। तो ये आपने देखा जंगल जलेबी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही।